हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हमारी रिचार्ज बल यानी कि लिथियम बैटरी होती है उसका एक चार्जिंग मॉड्यूल बनाना। तो इसके लिए हमें एक चार्जिंग जैक की जरूरत पड़ेगी जो कि लोकल मार्केट में 3 से 5 रुपए के बीच में आ जाएगा और यह लोकल मार्केट में मिल जाएगा। और हमें एक LED की जरूरत पड़ेगी जो कि 3 वोल्ट की है। जो इसका लंबा वाला लेके वो हमारा पॉजिटिव है और जो छोटा वाला है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें एक डायवोल्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि IN4000 इसके नंबर हैं। यह हमें 1 रुपये का डायवोल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी जो कि 1K की है। तो कुछ चारों चीज़ों से हमें सर्किट बनाना है। तो यहाँ पे मैं सर्किट को बना लेता हूँ। तो हमारा जो ये डायवोल्ट है उसका हमें जो हमारा चार्जिंग जैक का पॉजिटिव है उस पर हमें डायवोल्ट का एनोड वायर कनेक्ट कर देना है। और ये हमें LED है उसका जो पॉजिटिव पिन है उस पर हमें रेजिस्टेंस जोड़ देना है और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे हमें एनोड पिन पे कनेक्ट कर देना है जो कि डायवोल्ट की एनोड पिन है उस पर कनेक्ट कर देना है। और जो नेगेटिव पिन है उसको यहाँ पे चार्जिंग जैक के माइनस वाले यानी कि ग्राउंड पे कनेक्ट कर देना है नेगेटिव वाले पिन पे। तो यहाँ पे ये देखे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये हमारा सर्किट बनके कंप्लीट हो गया। और जो हमारा कैथोड है डायवोल्ट का उस पर हमें बैटरी का पॉजिटिव और जो चार्जिंग जैक का जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर बैटरी का नेगेटिव जोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद वायर नेगेटिव लिया है और रेड वायर है वो पॉजिटिव वायर लिया है। देखिए दोस्तों, इसमें ये डायवोल्ट हमने यूज किया है वो जब हमारी लाइट चल जाएगी तो ये डायवोल्ट इस LED तक बैटरी का करंट नहीं पहुंचाएगा और बैटरी हमारी लाइट जाने के बाद में वर्क नहीं करेगी चार्जिंग हटने के बाद में, इसलिए हमारी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो हमें एक डायवोल्ट लगाना जरूरी है। यह डायवोल्ट 0.7 वोल्ट की खपत करेगा और हमारा 3.7 वोल्ट का बैटरी है तो यह अच्छे से रिचार्ज यानी कि चार्जिंग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सर्किट में कोई ब्रेकर सिस्टम नहीं है तो हमें टाइम से बैटरी को चार्ज लगाना है। आधा एक घंटे में हमारे जो लिथियम बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मैं इसमें चार्ज लगा देता हूँ, ये वर्क करता है या नहीं करता। तो ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारी LED ग्लो हो गई है और जैसे ही मैं इस चार्जिंग को डिसकनेक्ट करूँगा तो हमारा LED जलना बंद हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये सर्किट हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि वीडियो पसंद आया और आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यदि मैं इस डायवोल्ट का उपयोग नहीं करता तो हमारा जब भी हम चार्ज ऑफ करते या तो हमारा जो बैटरी है उसकी सप्लाई इस LED तक आती और ये LED ग्लो करती और हमारी बैटरी को डिस्चार्ज कर देती, इसलिए हमने इस डायवोल्ट का यूज किया है। इसमें देखे दोस्तों, जो हमारी एनोड पिन सप्लाई जाएगी वो कैथोड तक जाएगी लेकिन कैथोड से रिवर्स नहीं हो पाएगी। ये देखे दोस्तों, मैं जैसे जंपर से डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारा बैटरी के करंट से ये LED ग्लो कर रहा है। इस कारण से मैंने इसमें एक डायवोल्ट का यूज किया है। तो वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मेरे इसी चैनल पे इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। तो एक बजे फिर से मैं आपको यहां पे इस सर्किट को चेक करके दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से वर्क कर रहा है।